तो गाइस बहुत दिन बाद आप लोग का भाई फिर से आ गया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए। आज मैं ज्यादा बात नहीं करेंगे, बटरफ्लाई वाल्व रिपेयरिंग कैसे करेगा इसका बारे में आप पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो हम लोग का जो बटरफ्लाई वाल्व है, बहुत ही दोस्त फोन करके बोलते हैं जो हम लोग का बटरफ्लाई वाल्व थोड़ा सा ओपन होकर रहता है, थोड़ा सा नहीं बराबर नहीं होता है, तो इसके बारे में आज जो वीडियो है तो इसके बारे में आप लोग का पूरा जानकारी मिल जाएगा। चलिए गाइस वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे हम लोग बटरफ्लाई वाल्व रिपेयरिंग करते हैं। तो गैस बटरफ्लाई जो है मेरा दो बटरफ्लाई फालते, इसे इसको खोल के एक में लगा देता हूँ, एक में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, इसलिए इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे बटरफ्लाई वाल्व एडजस्ट करता है। तो गैस सबसे तो पहले जो इधर जो एयर जो पिस्टन है ना, जो बटरफ्लाई वाल्व को ओपन क्लोज करता है, इसका मेन है, ये दिखा रहे आपको, ये जो पिनियम है, ये पिनियम आपका इधर लग जाए, पिस्टन में लग जाएगा, बटरफ्लाई जो गेट है इसमें लगता है, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से पता चल जाएगा। ये जो दांत है, दांताना जो भी बोलते हैं सबको, ये एयर का वजह से आप लोग अप डाउन होता है, ठीक है। इधर जो एयर आता है, एयर का पिस्टन अप डाउन होता है, ठीक है, और इसका वजह से आप लोग जो पिनियम है लेफ्ट राइट घूमता है, ठीक है। अब दिखाता है लेफ्ट राइट इधर ऐसे घूमता है, ये अप डाउन होता है तो लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। और गाइस इसको तो पहले आप लोग अच्छे से सेट कर दीजिए, ठीक है। ये पिनियम है, अच्छा सेट करने के बाद बटरफ्लाई में सेट हो जाएगा, ठीक है। थोक के अच्छा से सेट कर दीजिए इसको, ये हाथ से घुमा के देखेगा फ्री घूमेगा हाथ में, ठीक है ना। ये जाम होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ये फ्री घूमेगा, ऐसे फ्री घूमेगा, ठीक है। और थोड़ा जाम होगा थोड़ा ऑयल फॉइल डाल लीजिएगा आप लोग भी। अच्छे से फ्री करने के बाद आप लोग इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। हो गया, उसके बाद इसका अंदर से सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से दांत से बैठा के सेट कर दीजिए। तो सेट करने के बाद गैस बटरफ्लाई है जो क्लोज है ना, ठीक है, क्लोज जाके इसको सेटिंग करना है, यही मेन काम है। और पिस्टन जो जो दांत दिखा था वो एकदम पीछे होना चाहिए, ये तो थोड़ा सा ये होगा तो आपका ओपन रह जाएगा बाद में, ठीक है। ये बिल्कुल पीछे करके, ठीक है, पीछे करके आपको घुसाना है। और गेट जो है बंद होना चाहिए, बटरफ्लाई वाल्व जो गेट है बंद करके इस पर अच्छे से सेट कर दीजिए। ये जो पिस्टन दिख रहा है ना, ये दांत टाइप का दिख रहा है, दांत पीछे होना चाहिए। बटरफ्लाई वाल्व पूरा क्लोज करके लगा दीजिएगा आप लोग, पहले अच्छे से क्लोज कर बीच सेंटर में कर दीजिए। सेंटर करने के बाद आप लोग इसको सेटिंग कर दीजिए। तो बहुत ही इजी है, उतना परेशानी नहीं है, आप लोग आसानी से कर पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।